कैबिनेट ने वेतन भत्ता बढ़ोतरी को लेकर पास किया दूसरा प्रस्ताव, केंद्र की मंजूरी मिली तो मिलेंगे 90,000। पेपर छीनने और पापड़ी चाट के कमेंट को लेकर विपक्ष पर भड़के पीएम मोदी, कहा संसद का हुआ अपमान। यमुना का जलस्तर बढ़ने से मथुरा में हर तरफ पानी पानी, लोगों ने छतों पर जमाया डेरा। यूपी में 17 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा सत्र, माता पिता को खोने वाले बच्चों को आर्थिक सहयोग का भी फैसला। बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिले एसबीएसपी के ओम प्रकाश राजवर, बोले राजनीति में कुछ भी है संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के फतेहगंज से। फतेहगंज पश्चिम थाना क्षेत्र के गांव रसूला चौधरी में सुबह एक अधेड़ की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने सबका पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पत्नी ने गांव के दो लोगों के खिलाफ नाम दर्ज तहरीर दी है। क्षेत्र के गांव रसूला चौधरी निवासी युवक डालचंद कश्यप पुत्र हरप्रसाद कश्यप की गांव के ही पड़ोसी कल्लू उर्फ कालीचरण कश्यप पुत्र छेदालाल कश्यप ने पानी निकासी के विवाद के चलते रंजशन गांव की सड़क किनारे खेत में लोहे की रॉड व सरिया मारकर डालचंद की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक डालचंद के परिजनों ने बताया कि डालचंद खेत से काम कर वापस आए थे और शाम लगभग 7 बजे अपनी बेटी रिशु की दवाई लेने पास के गांव रुकमपुर गए थे, फिर वो वहां से वापस नहीं लौटे। काफी तलाश करने के बाद वो नहीं मिले। सोमवार की सुबह गांव के ही कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि डालचंद की लाश सड़क के किनारे खेत में पड़ी है। वही थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तहरीर मिली है, जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद साहब ये कल गया था बच्चों की दवाई लेने के लिए शाम को, और आया था धान चौर के मजदूरी करके बना के धान धरा के आया था मजदूरी पे, फिर शाम को 7 बजे आया घर है, नहाया, फिर वैसे जल्दी सानी लेकर बनाने में चला गया। ठीक, अब साहब 7 बजे गया, हमने साहब इंतजार देखा उसका, फिर हमने ढूंढा रात में, साहब हमको कहीं मिला नहीं, फिर साहब सुबह ढूंढा हमने तो साहब नीचे उसकी लाश पड़ी हुई मिली हमारी। कहाँ पर मिली थी? साहब नवद रोड पर नहर के पास में धान तले। अच्छा अच्छा, बताओ वो उसके के शादी हो गई थी क्या? अरे जो मृतक है आपका भाई, उसकी शादी हो गई थी? हाँ, 3 बच्चे हैं। अच्छा, पत्नी का क्या नाम है? तेजकली। बच्चों के नाम पता है क्या? हाँ, ये नाम रिशु है, लड़की है सबसे बड़ी। अच्छा, उसका नाम लड़के का नाम राजीव है मंजला वारा, फिर ठीक छोटे लड़के का नाम उगेश है। ठीक, तो फतेह पश्चिमी थाने में तहसील दे दी आपने? हाँ। ठीक, खबर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। जिला फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र के अंतर्गत गांव जेबड़ा के समीप उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रैक्टर बटेश्वरनाथ भोले बाबा के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा पलट गया, जिसमें दर्जनों श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बताते चलें कि शाम के 4 बजे के करीब गांव जेबड़ा के समीप उसी समय ट्रैक्टर के सामने बकरी आ जाने के कारण ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना होते ही श्रद्धालुओं में चीख पुकार मच गई। कुछ ही देर में आसपास के ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई और बचाव कार्य जारी कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मौके पर राहत बचाव जारी कर दिया। वहीं प्रशासन द्वारा राहत का कार्य बचाव जारी था, समाचार लिखे जाने तक जारी रहा। देवेश कुमार, कहाँ के हो तुम? धरारी यादव। क्या बात हुई, कैसे ट्रैक्टर पलटा था? बकरी आने से गाड़ी लहर गई थी, उन्होंने ब्रेक लगाया और ट्रॉली पलट गई। कितनी सवारी होंगी यहाँ? लगभग यहाँ में सवारी थी करीबन 25-26 सवारी थी। सभी खबर है उत्तर प्रदेश के आगरा से। आगरा के बाहा में परचून की दुकान बंद कर जा रहे दुकानदार से रुपयों से भरा बैग लूटकर अपाचे सवार फरार हो गए। दुकान की सामान बिक्री के रोकड़ के बैग में रखे 2 लाख रुपए दुकान स्वामी के हाथों से बैग लूटकर बाइक सवार फरार हो गए। वहीं घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। दुकान स्वामी ने पुलिस को सूचना दी, साथ ही बाइक सवारों का पीछा किया। राजाखेड़ा की तरफ बैग लूटकर भागे अपाचे सवार 2 युवक लुटेरे। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। थाना कस्बा पिनाहट के राजाखेड़ा मार्ग पर दाऊजी मंदिर के पास का है मामला। दुकान बंद करके घर पे जा रहा हूँ, पहले मेरे हाथ में हो पहला चला लो हाथ में से और चले गए अपाची गाड़ी पे थे। कितने पैसे? 20-25 हज़ार रुपये दुकानदारी के थे। 2,20,000 रुपये पेमेंट देवे के लिए रख के थे बाहर वाले। कुल कितने रुपए थे? 2.40 के करीब होंगे, 2.5 के करीब होंगे। आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस सूचना दी, मौके पर पुलिस आई, मौके पर पुलिस मिल गई। उनका पीछा वगैरह भी पुलिस ने पीछा किया? कहाँ तक पीछा किया पुलिस ने? बहुत दूर तक पीछा किया।
खबर है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के स्थित ग्राम रथेड़ी का है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब एक लगभग 4 वर्ष की मासूम बच्ची की खेलते समय गांव के एक तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, बच्ची के तालाब में डूबने की सूचना परिजनों व ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई, जिस पर पिछले 7-8 घंटों से पुलिस ने ग्रामीण की मदद से बच्ची को तालाब में रेस्क्यू अभियान चलाकर सबको बाहर निकाला गया। वहीं मृतक मासूम बच्ची का शव देख परिजनों में कोहराम मचा हुआ है व रो रो कर बुरा हाल है। आसपास के क्षेत्र में भी इस दुखद घटना से क्षेत्र में गमगीन माहौल बना हुआ है। खेलना आए थे, यहाँ खेलना गिर गए, मुँह हाथ धोरे हो गए। कितने बालक थे साथ में? 3 बालक थे। कही आपको जानकारी किसके द्वारा मिली कि बच्ची जोड़ने के लिए? बच्चे ने बताया हमें तो। खबर है उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां जिलाधिकारी ने एसडीएम के साथ चंबल नदी का निरीक्षण किया है। बरसात के कारण चंबल नदी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। चंबल नदी में खतरे की आशंका को लेकर प्रशासन ने स्टीमर संचालन बंद कराया था। उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वही यात्री वापस भी लौट रहे हैं। नदी के जलस्तर से आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रशासन द्वारा तटवर्ती इलाकों में अलर्ट जारी किया है, वही बाढ़ चौकियां गठित कर राजस्व कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। थाना पिनाहट चंबल नदी का है पूरा मामला। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, जितना पानी आ रहा है जैसा हमारे बता रहे हैं भी जाएगा तो 130 तक जाके फिर वापस आ जाएगा। अगर ये ट्रेंड रहा तो अगर बारिश और होती है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।